आज मध्य प्रदेश हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम आए हैं। 62.84 नियमित विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले नियमित छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत में 1.52% की वृद्धि हुई है। इस बार भी छात्रों के मुकाबले छात्राएं मतलब भांजियों के मुकाबले भांजियां ज्यादा सफल हुई है। भांजियों की सफलता का प्रतिशत 65.87 है और हमारे बेटे भांजे 7.09% सफल हुए हैं। मैं सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बेटे बेटियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं मेरिट में जो बच्चे आए हैं 10 मेरे बेटे बेटी जिन्होंने 300 में से 300 अंक प्राप्त करके मेरिट में पहला स्थान प्राप्त किया है, मैं उनको बधाई के साथ साथ उनका अभिनंदन भी करता हूं। और केवल उनका अभिनंदन नहीं, उनके गुरुओं का अभिनंदन जिन्होंने उनको शिक्षा दी है और माता पिता भी प्रेरित करने में गुरु के समान होते हैं। पालकों का भी अभिनंदन करता हूं, लेकिन विशेष रूप से मेरा उन बेटे बेटियों को जो सफल नहीं हुए ये कहना है कि निराश कर देना, हताश कतई ना। एक और अवसर है रुक जाने नहीं योजना के अंतर्गत, हम उस अवसर का लाभ उठा के सफल हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। पर अनुत्तीर्ण का मतलब यह नहीं है, क्या कोई रास्ता बचा नहीं है? असफलता हमारे रास्ते बंद नहीं करती, बल्कि कई बार बहुत कुछ सिखाती है। जो कमियां रह गई होंगी उसको पूरा करेंगे और मेहनत करेंगे तो कल फिर सफल होंगे। आपके सामने पूरा आसमान खुला हुआ है उड़ान भरने के लिए, एक बार फिर प्रयास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे सभी भांजे भांजियों को असीम स्नेह प्यार, आप परिश्रम करें, मेहनत करें, मुझे विश्वास है कि आपने जो सपने देखे हैं वो सपने साकार होंगे। बहुत बहुत बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाना है। उस दिशा में मध्यप्रदेश ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। आज बैठक हुई जिसमें माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और केंद्रीय मंत्रालय के सारे ऑफिसर्स मौजूद थे, राजस्थान के अधिकारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर और भिंड का संपूर्ण परियोजना जो राजस्थान की सीमा से एक तरफ दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ेगी, चंबल एक्सप्रेस वे जिसको मैं प्रोग्रेस वे कहता हूं बनाया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि भिंड में गोल्डन क्वाड लेटरल मार्ग से ही जुड़ेगा, मुरैना में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जुड़ेगा और राजस्थान में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जुड़ेगा। ये केवल एक रास्ता नहीं होगा, मार्ग नहीं होगा, इसमें हम प्रोजेक्ट के रूट के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे,
रक्षा उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण और भारी उद्योग हेतु औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेंगे, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट क्षेत्रों का विकास करेंगे, पीक में पेट्रोल पंप के लिए स्थान छोड़ेंगे, बेसाइड एंटिटीज बनाएंगे, चंबल में क्षेत्र जहां कभी डकैतों का आतंक हुआ करता था डकैत हमने समाप्त कर दिए, अब वहां औद्योगिक विकास करना है, रोजगार के अवसर बढ़ाना है और दिल्ली में कंजेशन के कारण कई लोग दिल्ली के बाहर आना चाहते हैं और दिल्ली से मुरैना तक का सफर आज 3.5-4 घंटे में तय हो जाता है। इसे उद्योगपतियों को अपॉर्चुनिटी हो और यहां जो उद्योगपति उद्योग लगाएगा उसको विशेष पैकेज हम देंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से बात करेंगे। सचमुच में ये प्रोग्रेस दे चंबल संभाग के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, उस इलाके की तस्वीर बदल देगा। तेजी से सब स्वीकृतियां हो जाए इसलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने हाई पावर कमेटी बनाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी मैं चर्चा करूंगा और जल्दी हम इसका काम प्रारंभ हो जाए, इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करें।